गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, ये आपका नया टॉपिक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड टू डायपोल बट इक्विलेटरल पॉइंट। ठीक है बच्चों, मान लिया कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो ये माइनस की और प्लस की, तो इससे पहले आपने निकाला था इसके एक्सेस पॉइंट पे, इस बार निकालोगे इक्विलेटरल मतलब 90 डिग्री पे, यहाँ निकालना है इस पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो आप जरा आप लोग ध्यान से फिगर को देखो, ये कोई डायपोल है ए बी, ठीक, माइनस की और प्लस की। आपको इस पॉइंट पी पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, देखो बच्चों, जब आप पी पॉइंट पे निकालोगे तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इससे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बाहर की तरफ होती है, तो आपका डायरेक्शन ये बन जाएगा आउटवर्ड। और ये क्या है, माइनस क्यू, इससे क्या होता है अंदर की तरफ, तो आपका ये बन जाएगा क्लियर। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, ई1 कॉस थीटा और ई1 साइन थीटा। ठीक, ऐसे बच्चों जो E2 है आपका, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, E1 साइन थीटा और E1 कॉस थीटा, सॉरी E2 कॉस थीटा और E2 साइन थीटा। ये क्लियर हुआ, ये जो माइनस वाला था अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके के दो कंपोनेंट E2 कॉस थीटा E2 साइन थीटा, ये जो प्लस वाला था इसके भी दो कंपोनेंट E1 साइन थीटा और E1 कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड टू टोटल डायपोल। फिर वैसे वही पुराना नियम, इलेक्ट्रिक फील्ड टू माइनस क्यू चार्ज लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड टू प्लस क्यू चार्ज लिखेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इतनी बेसिक चीज है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। हाँ तो बच्चों देखो, हमने क्या सिखाया है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू माइनस क्यू और ड्यू टू प्लस क्यू, फिर दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों। ठीक, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, वो क्या है, प्लस क्यू वाला ये है ना, तो ईवन हुआ। ठीक है बच्चों, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड टू ईवन हुआ, तो ईवन का मतलब क्या हुआ, देखो ईवन क्या, दो कंपोनेंट है, ईवन साइन थीटा और ईवन कॉस थीटा। ठीक, ऐसे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो वो क्या हुआ, E2 साइन थीटा और E2 कॉस थीटा। लेकिन ध्यान दो, जो हमारा E2 साइन थीटा है वो निगेटिव में हुआ, क्यों, क्योंकि देखो नीचे डायरेक्शन, देखो यहाँ पे E1 साइन ऊपर था तो उसको प्लस कर दिए, और ये नीचे इसलिए माइनस कर दिए। ठीक, हमने क्या लिखा, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड टू डाइपोल E1 प्लस E2 लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो आप लोग E1 का मान रख दो क्या है, E1 साइन थीटा प्लस E1 कॉस थीटा, E2 का मान रख दो माइनस E2 साइन थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अब देखो ये टर्म कैंसिल हो गया, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, क्यों, क्योंकि E1 E2 बराबर है, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस बराबर है, E1 E2 का मान बराबर होगा। ठीक है बच्चों, देखकर मैं आगे बोलूंगा, बट E1 इक्वल टू E2 है, बराबर है, तो इसलिए कैंसिल हो गया बच्चों। E कितना आ गया, आ गया आपका 2E1 cos थीटा, चाहे 2E2 cos थीटा, तो बस हमें E1 का मान रख देंगे, cos थीटा का मान रख देंगे और E का मान रख देंगे। अब बच्चों आप लोग यहाँ से फिगर में देखो, फिगर में आप लोग फिर समझ लो, ये जो आपकी लाइन है ये, इसको अगर हम R मान लें, ये दूरी पता है L होता है 2L, बच्चों देखो ये कितना होगा, ये दूरी कितनी होगी, डी पी बच्चों तुम्हारा क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज तो ये आ गया। ठीक है बच्चों, तो अब हम E1 का मान रखें, E इक्वल टू कितना, 2 E1 के सामने कितना, 1/4πε0 Q/R2, मतलब डिस्टेंस कितना है, BP का स्क्वायर इनटू cos थीटा। अब जब बच्चों यहां से आप लोग फिगर में जाकर देखो थोड़ा सा, फिर से एक बार cos थीटा, थोड़ा सा ये डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से समझो बच्चों। तो cos थीटा का मान कितना होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो cos थीटा कितना होगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज से बेस हो गया एल, और ये कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, तो बच्चों ये जो cos थीटा का मान है ये मैं यहां रख दे रहा हूं cos थीटा के स्थान पे। ठीक है, तो cos थीटा काट दिया मैंने, यहां लिख दिया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये लिख दिया। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आप देखोगे बीपी, तो बीपी का मान भी यही है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट का आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा 2QL, ठीक, बटे 4πε0, और क्या रहेगा, मल्टीप्लाई 1/4 हाँ। तो बच्चों देखो, अब ये मैं बता रहा था आप लोगों को, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बीपी का स्क्वायर और मल्टीप्लाई ये। बच्चों देखो बीपी का मान कितना है, बीपी का मान है अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो मैं स्टेप से आगे तो यहाँ लिखता हूँ इस कोने पर। अच्छा देखो वही लिख दिया 2QL/4πε0 dt के साथ लिख दिया r² + l²
रूट हट गया, क्योंकि क्या था, आपका स्क्वायर था, और मल्टीप्लाई वन अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आपका। अब बच्चों देखो सिंपल मैथ क्या है, देखो ये सेम टर्म में यहाँ पे लिखा हुआ वन, यहाँ लिखा हुआ वन बाई टू, एक और आधा कितना होता है, डेढ़ होता है, थ्री बाई टू, थ्री बाई टू लगा दिया। ठीक है बच्चों, क्लियर। आज बच्चों फिर देखो आपको, अब हम जानते हैं कि जो हमारा डायपोल बहुत छोटी चीज है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आर इज ग्रेटर देन एल, जो डायपोल के बीच की दूरी एल थी वो बहुत छोटी होती है आर के कंपेयर में, तो एल को छोड़ दो यहाँ पे, इग्नोर कर दो, तो ये आपका आ गया आर स्क्वायर बचा, उसकी पावर थ्री बाई टू, मतलब बच्चों ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, आ गया आर की पावर थ्री, ये आ गया आंसर। इसके बाद बहुत छोटा छोटा आसान है, तो एक बार आप इसको प्रैक्टिस कर लेना, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं एक बार आपको और बताऊंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों।